2019 की लोकसभा की फरीदकोट सीट तो कांग्रेस के हरमन प्यारे उम्मीदवार अते पंजाबी गायक मुहम्मद सदीक ने अकाली दल के मंजे हुए खिडारी नूं हरा के सब नूं हैरान कर दिता। बीते दिन च विरोधियों वल्लों सदीक ते कसे जांदे तंजां दा जवाब सदीक ने विरोधियों नूं करारी हार दा मूंह दिखा के दिता। सदीक की जित तो बाद कांग्रेसी वर्करां ने सदीक दे हत्थों केक कटवा के जित दा जशन मनाया। इस समय मीडिया दे रूबरू हुंदिया सदीक ने लोगों का धन्नवाद कर अपनी खुशी जाहिर की, नाल ही उन्होंने अपनी गायकी दे भविख बारे भी अपनी प्रतिक्रिया दित्ती। मैं इहनूं बहुत खुशी नाल देख रहा जी और प्रसन्नता नाल देख रहा, क्योंकि जिस पंचायत मैं पहुंचिया या मैंने पहुंचाया गया यार दोस्तों मित्रों और मेरे साथियों ने, तो मैं समझता एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिंदगी की बहुत बड़ी प्राप्ति है। मैं धन्यवाद करदा अपने हाई कमांड का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिन्होंने मैंने टिकट दे के नवाजिया, और अपने साथियों का जिमें कि कांग्रेस साहब खड़े ने, इधर ढिल्लों साहब खड़े ने, मेरे होर साथी जो MLA साहबान है। मैं समझदा भाई इन्होंने सारे की मेहरबानी की वजह नाल, इन्हों की कोशिशों की वजह नाल, इन्हों के साथियों की वजह नाल मैं अज पार्लीमेंट जा रहा। ये जिंदगी दी मैं समझदा भी मेरी बहुत बड़ी प्राप्ति है। नहीं मैं दस्या ना, वो मेरी कुदरती दी देन है, वो गॉड गिफ्ट है मेरी है जी। वो जा तो सकते सकती नहीं है, पर मैं देखूंगा भी मैं हल्के दे कामां चों मैनू कोई टाइम मिलता कि नहीं मिलता। जे ना मिलिया तो फिर मैं नहीं भी कहूँगा करे अपनी रियाज कर लिया करूँगा। वैसे मैं लोगों वास्ते समर्पित हाँ और मैं लोगों के काम करूँगा। दूजे पासे कांग्रेस के लीडर गुरप्रीत कांगड़ ने सदीक की जित तो बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिंदिया विरोधियों से तिखे वार किए। उन्होंने सुखपाल खहरा की जबानत वाले सवाल का जवाब दिंदिया कहा कि जिहड़ा बंदा बेमतलब हवा विच उड़दा वह हवा विच ही टंगिया रह जांदा। उन्होंने कहा कि लोग सब जानते हैं खहरा किसी भी पार्टी च वफादारी नाल काम नहीं कर सकता। इस मौके कांगड़ ने कहा कि लोगों लई काम करने पैंदे ने, खहरा साहब इकल्ले लंबे लंबे भाषण दे के गल नहीं बनदी। नाल ही कांगड़ ने आप ते भी तिखे वार किए। वेखो ये तो दिस ही जांदा सी वी जिहड़ा बंदा बिना मतलब हवा च छड़प्पे मारे वह हवा च ही टंगिया जांदा हुंदा। सुखपाल सिंह खहरे की पहले भी भाख्या भाव यही सी भी ये बंदा ना कि तनदा ना घरदा ना घाटदा रहना। लोग समझ चुके से भी ये कितने टेक के काम नहीं कर सकता, हमेशा सेवा करनी होंगी है। कल्ले बयान या भाषणों नाल गल नहीं बनती होंगी, वो कल्ले भाषण तो लंबे लंबे विचारधारा अपनी दिता सी जिहड़ियां पूरियां नहीं कर दिंदियां। इस करके लोगों ने उन्हें वेख लिया, इस करके उन्होंने कर दिता। गल उ आ जाती ना, वेखो इन्हों आपस खिलर जाना, एक जो झाड़ू से इन्हों का वो अज तीला तीला खिण गया, तो फिर लोग समझ चुके हैं भी ये खिण चुके हैं, मगर जाके की करांगे। इस मौके कांगड़ ने राजा वड़िंग की हार नूं लैके अकाली दल ते भी तिखे निशाने साधे। वेखो गल एक है भी अज जे राजा वड़िंग की तो अपने बादल फैमिली की गल करिए, उधरों वो समुंदर है पैसे टके दे विच, राजा वड़िंग एक सधारण परिवार के विचों फिर भी उस परिवार को एड्डी वड्डी लड़ाई देनी मेरे ख्याल खालाजी का वाड़ा नहीं। अज राजा वड़िंग अखलाकी तौर पर जितया है, लोगों के मनों के वसया है, ठीक है अंकड़ा बहुत नेड़े है, इनू असी हार नहीं मनते। और यह जे परिवार को जिन्हों का उन्होंने धुआं कढ के रखे और मेरे ख्याल डेढ़ महीने के किसी परिवार की उन्होंने बेचैनी पैन वाली गल सी, कोई पर हरेक परिवार बादल परिवार का बेचैनी च रहा और 24 घंटे लोगों दिनत करता रहा। यह राजा वड़िंग के प्यार सदका, राजा वड़िंग की मेहनत सदका, एक उन्हें दस दिता भी मैं एक नवाणा जा हरेक का भरा हरेक का बेटा होने का उन्हें इतने सबूत दे दिता, जिहड़ा अज बादलों उन्हें बहुत वड्डी भाज दे के बेशक दी हाल मुकाबला चल रहा। हो सकता गुरु महाराज 2 राउंड पिछे है, जे वह राउंड हो भी सकते हैं जंप भी बसद ये सीट निकल भी सकती। चकदे TV नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो।